नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की दो बेटियों से, जो अब दादी बन चुकी हैं। लेकिन ये दादी बुढ़ापे की झुर्रियों को भुलाकर देश की नामी शूटर बन चुकी हैं। बेटियों को घर से बाहर अकेले नहीं भेजने का प्रचलन काफी पुराना है। आज भी नानी दादी की ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की एक दादी घर से निकली थी 15 साल पहले, 10 साल की अपनी पोती को शूटिंग रेंज तक पहुंचाने के लिए। छोटी बच्ची की हिम्मत नहीं हुई तो दादी ने पिस्तौल हाथ में उठाकर निशाना लगाने का तरीका बताया। जिंदगी में पहली बार हाथ में उठाई पिस्तौल का निशाना इतना सटीक था कि शूटिंग रेंज में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मैं कहने लगी, बेटा तू भी खेला कर या? कहने लगी, माँ यहाँ तो डर लगा है, गोली चले। मैं कहा, मैं आ करूँगी तेरी गैल। तो मैं इसकी गैल आई, आके पीछे बैठ कर देखने लगी, बच्चे खेल रहे थे। तो इस पर गन लोड ना हुई, हड़वी थी, गन भारी थी। मैं लेकर उसे लोड करके छर्रा भर का मारा, वो टेन में लग गया। ये दादी अब वेटरन कैटेगरी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है, नाम प्रकाशो है। 15 साल पहले 60 साल की उम्र में पोती के साथ दादी ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उस वक्त परिवार के लिए इस फैसले में साथ देना मुमकिन नहीं था। गांव के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, तानों की बरसात भी हुई, लेकिन दादी पोती एक साथ आगे बढ़ती रही। मैं औरतों को बुलाती भी फिरी, मैं कहे मेरी गैल हो लो कोई, तो मेरी मजाक उड़ावे थी। मर्द भी और घर के रुकावट करे थे, अब तुम जाओगी कारबिल में, तो इसलिए मैं लुकमा रखू थी। फिर जो है कोई नहीं गैल हुआ, मैं मेरी दुरानी अलवर वाली महाराणी, मारी तीनों की टीम बन गई। टीम बन के हम फिर अपना धड़ा धड़ खेलना शुरू कर दिया, हमारी पोतियों ने भी हमने भी। पूरी जिंदगी चूल्हे पर निकालने की बजाय खुद की किस्मत बदली तो देवरानी ने भी पीछे पीछे हाथ बढ़ाया। घर में छुप छुप के प्रैक्टिस करते रहे, बच्चों की गैल आके छरे चलाते रहे, तो लोगों को बारह पचास लोगों ने मजाक उड़ाई बहुत, अकी बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में। तो डॉक्टर राजपाल कहने लगा, दादी तुम चुपकी करते रहो, कोई कुछ भी कहो। निशानेबाजी की स्पर्धाओं में आज वो सेना के अफसरों के छक्के छुड़ाती है। कर्नल अहलुवालिया को हराने के बाद बड़े बड़े धुरंधर निशानेबाज इनके सामने आने से कतराते हैं। एक साल बाद मेरा दिल्ली में मेडल हुआ स्पोर्ट पिस्टल में। मेरी कैटागिरी में धीरज सिंह DIG बुलाया रुड़की तक, तो उसमें मैं तो एक साल की खेली हुई थी, वो तो पुराना शूटर था, तो इसमें मैं उसे हरा कर मेडल ले लिया। देवरानी जेठानी को अक्सर झगड़ा करते देखने वाले लोगों को सुखद अनुभूति हुई जिंदगी में, जब सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए आमिर खान इनसे मुखातिब हुए। लगने के बाद में हमने कहा, दादी आप करती क्यों नहीं? लगने के बाद आपने बोला ये तो फ्लूक से लग गया होगा, दोबारा लगाइए। फिर लगाइए, फिर भी दादी ने मारा तो वो काले में लगा। अच्छा, वो भी उनका अच्छा शॉट लगा। मिट्टी में सरसों के फूल उगाने वाली ये महिलाएं अब शूटिंग के नए खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इनकी प्रतिभा की छाया अगली पीढ़ी पर भी दिखी। पिस्टल वर्ल्ड कप में भारत का पहला मेडल प्रकाशो की बेटी सीमा तोमर ने अपने नाम किया। तो वो पोती जिससे कहानी शुरू हुई थी, आज पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रूबी तोमर, दुनिया के विश्वविद्यालयों में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। जुनून के आगे उम्र भी हार गई, तो जुनून के आगे कैसे मौत का डर भी काफूर हो जाता है।